जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे घास का हलवा बनाने की रेसिपी। इस घास के हलवे को हम नारियल पानी के साथ बनाएंगे। तो जो हरा वाला कच्चा नारियल आता है उसका पानी और उसकी मलाई का इस्तेमाल करके इस हलवे को हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घास के इस हलवे को बनाने के लिए हमने सबसे पहले चाइना ग्रास लेनी है, तकरीबन 10 ग्राम जितनी हमने ली है। इसे हमें पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो हमने इसे पानी से अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करके इसे 5 मिनट के लिए भिगो देंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो जिस बर्तन में हमें इसे बनाना है उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 5 मिनट के लिए हमने इसे भिगो दिया था और जिस एक गिलास पानी में हमने इसे भिगोया था उसी पानी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी तरह लगातार चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आ गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और अभी हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि घास के जो रेशे हैं वो पानी में पूरी तरह घुल ना जाए। तो इस तरह से हमने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भी पका लिया और अब देखेंगे कि हमने इसमें जो पानी ऐड किया था उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है और हमने जो घास ऐड किया था वो भी पानी में अच्छे से घुल चुका है। इस स्टेज पर हमें इसमें नारियल पानी ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर हरे वाले कच्चे नारियल का पानी लिया है। हमने एक बड़ा नारियल लिया था तो यहाँ पर इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास जितना नारियल पानी हमने ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी तरह हमें इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेना है। तो इस तरह से हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और पकाया और इस स्टेज पर हमें इसमें चीनी ऐड कर देनी है। तो हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून चीनी ली है। आप इसे कितना मीठा रखना चाहते हैं उस हिसाब से चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और चीनी के डिज़ोल्व होने तक हम इसे थोड़ा और पका लेंगे। तो चीनी ऐड करने के बाद हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लिया और आप देख सकते हैं कि चीनी इसमें अच्छे से घुल चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमें इसे तुरंत ही किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है। जिस सर्विंग डिश में या फिर बोल में आप इसे सेट करना चाहते हैं उसमें इसे तुरंत ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से हमने इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसे बढ़िया सा लुक देने के लिए हमें इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर देनी है। तो जिस नारियल का हमने पानी लिया था उसी की मलाई को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है। इसका इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसे बहुत ही बढ़िया लुक मिलेगा। और हमारा थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था उसे हमने इसी तरह दूसरी डिश में ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी नारियल की मलाई भी ऐड कर दी। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। तो हमने इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद 2 से 3 घंटों के लिए फ्रीज में रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब इस तरह से हमें इसके पीसेस कट कर लेने हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा घास का हलवा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, गर्मियों के मौसम में आप इसे ज़रूर से बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।